विधानसभा में विधेयक और जनहित के मुद्दों पर चर्चा ना होने को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष नहीं चाहता कि जनहित के मुद्दों पर चर्चा हो। कमलनाथ ने एक भी मुद्दे समाज के हित में नहीं उठाए। विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई ठीक तरीके से नहीं हो पाई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा एक बार फिर विधानसभा में अपने ही अंदाज में नजर आए। सदन की कार्रवाई के बाद नरोत्तम मीडिया के फोटो जर्नलिस्ट के बीच पहुंचे और बाइट दे रहे मंत्रियों को कैमरे से देखा। इस दौरान उन्होंने मीडिया के लोगों से चर्चा की। सदन में हंगामे को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधा और कहा कि कमलनाथ के पास जनहित के मुद्दे ही नहीं है, विपक्ष ने सदन नहीं चलने दी, जनहित के मुद्दों पर सदन में चर्चा नहीं होने दी गई। बाढ़ पीड़ित समाज से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा होनी थी लेकिन विपक्ष के हंगामे के बीच नहीं हो पाई। आपने इतना नाकारा और अकड़पने विपक्ष कभी नहीं देखा होगा, पर इतना मुद्दा विहीन विपक्ष, इतना भटका हुआ विपक्ष आपने सदन के इतिहास में नहीं देखा होगा। कल जब श्रद्धांजलि थी तब आदिवासी दिवस पे हल्ला कर दिया, आज पिछड़ा वर्ग और एचसी की एप्रीन पहन किया है, आज आदिवासियों की चल रही है, एक भी एप्रीन पे नहीं था उनका उल्लेख। मैंने कल कहा कि ये फ्लोर चर्चा को है, चर्चा करो। ये चर्चा से क्यों भागते हैं मित्रों, इसका जवाब किसी से दिलवाना है। जब हम हर विषय पर चर्चा को तैयार हैं, चीख चीख कर कह रहे हैं, एक भी जनहित के मुद्दे पर ये चर्चा नहीं करना चाहते। प्रदेश के अंदर बाढ़ की विभीषिका है, चर्चा की मांग नहीं करी। लोग मर रहे हैं, घर बह गए हैं, लोग बीमार हैं, अनाज सड़ रहा है, खुले में पड़े हैं, कोई चर्चा की बात नहीं। कांग्रेस कभी जनहित के मुद्दे पर बात नहीं करती। समाज को तोड़ने के लिए, समाज को बांटने के लिए राजनीति करती है, क्योंकि अगर समाज को ये नहीं तोड़ पाएंगे तो ये जानते हैं कि इनका भविष्य नहीं है। जो बंगाल में परिणाम जीरो पे आए वही यूपी में परिणाम आने वाले हैं, इसलिए जातिगत विद्वेष फैला। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।